हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ संदीप कुमार। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर आपने 3.1 की और अब जो नेक्स्ट वीडियो जो बनने जा रही है 3.2, यानी कि जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो चल रहा था पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके दो वेरिएबल हों उन्हीं के जोड़े के ऊपर हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट 3.1 के अंदर हमने तीन क्वेश्चन किए थे, तीनों क्वेश्चनों को हमने एल्जेब्रिकली भी सोल्व किया था, ग्राफिकली भी सोल्व किया था। ऐसे ही 3.2 के अंदर भी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसे भी सेम वैसे ही करना है जैसे कि हमने 3.1 के अंदर किया था। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जो उसके दो पार्ट हैं, जो पहले क्वेश्चन के जो पहला पार्ट है उसके बारे में हम जानते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट जो पार्ट है वो आपको दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट है, टोटल 10 स्टूडेंट है और एक क्विज के अंदर वो भाग लेते हैं। टोटल 10 स्टूडेंट है, एक क्विज के अंदर भाग लेते हैं और इन 10 स्टूडेंट्स के अंदर लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। और बताया ये गया है कि लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा है लड़कों से, मतलब कि लड़कियां हैं यानी कि जो गर्ल्स हैं वो आपकी 4 ज्यादा हैं। गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, बॉयज से 4 ज्यादा। आपसे पूछा है कि बताइए कि कितनी लड़के और कितनी लड़कियों ने उस क्विज के अंदर टेक पार्ट किया था। देखिए स्टूडेंट, अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स अब गर्ल्स कितनी है स्टूडेंट, सपोज दैट एक्स है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता, और इसी तरह लेट द नंबर ऑफ बॉयज आप क्या मान सकते हो इसको, वाई। आपने मान दिया एक्स और वाई। देखिए स्टूडेंट, पहली जो स्टेटमेंट है इसकी यहां पर बनेगी, मैंने आपको बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले तो यहीं पर बन रही है कि लड़की और लड़का दोनों मिला करके आपके स्टूडेंट कितने हैं, 10। फर्स्ट इक्वेशन तो यहीं पर पहली लाइन के अंदर आपकी बन रही है स्टूडेंट। अब दूसरी के अंदर क्या कह रहा है कि गर्ल्स है वो मोर देन बॉयज। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैं लिख लेता हूँ सपोज दैट ये लड़की है और ये लड़के हैं, लड़कियां 4 ज्यादा है लड़कों से। अगर मैं लड़कियों के अंदर 4 जोड़ दूं, लड़कों के अंदर 4 जोड़ दूं तो वो लड़कियों के बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि आपसे बोला हुआ है कि जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा है लड़कों से। अगर लड़कों की संख्या में 4 की मैं वृद्धि कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, लड़कियों के बराबर हो जाएगा। ये होगी इक्वेशन आपकी सेकेंड। इसी तरह आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करना है और जो ग्राफिकली है उसको भी उस तरीके से भी सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट, हम करते हैं सबसे पहले इलिमिनेशन मेथड। अब देखिए स्टूडेंट, ये y इस साइड लेकर आऊंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। अब मुझे सिंपल क्या करना है, जोड़ देना है। मैं जोड़ूंगा तो यहां पर क्या आया स्टूडेंट, x और x 2x इज इक्वल टू, ये क्या आया 14, और इधर x की वैल्यू आई स्टूडेंट 7। अब जब x की वैल्यू आई, इसको मैं चाहे तो इस इक्वेशन में रखूं इसकी वैल्यू, चाहे इस इक्वेशन में रखूं, मेरे पास वैल्यू किसकी आएगी, y की वैल्यू आएगी। अब टू गेट द वैल्यू ऑफ y वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से किसी एक में रखना है आपको। यहां पर रखते हैं स्टूडेंट x की जगह है, आपको पहले तो इक्वेशन लिखो x plus y is equal to 10, x की आपके पास वैल्यू आई 7 plus y is equal to 10, इस साइड जाएगा तो y is equal to 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, 7 और 3 आ गया, यानी कि जो गर्ल्स है वो आई 7 और बॉयज है वो आई 3। आपको पता है डिफरेंस इनके अंदर क्या है, 4 का है, यानी कि अगर लड़कों की संख्या में 4 की जोड़ोगे तो लड़कियों के बराबर आएगा, दोनों का जोड़ 7 और 3 10 बैठ रहा है, डिफरेंस इसका 4 बैठ रहा है। बिल्कुल ये आपने सोल्व कर दिया इसको एल्जेब्रिकली, अब आपको करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली चलिए चलते हैं कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके पास ग्राफिकली के लिए भी आपको आप दो इक्वेशन चाहिए लीनियर इक्वेशन, उसके लिए सबसे पहले आप इसका बॉक्स बनाओगे और बॉक्स के अंदर आप लिखोगे वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है स्टूडेंट, दो दो वैल्यू चाहिए होंगी क्योंकि आपको
कोई भी ग्राफ को बनाने के लिए ग्राफ के अंदर एक लाइन ड्रॉ करने के लिए लीनियर इक्वेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है लीनियर, एक लाइन दे दी है ग्राफ के अंदर, तो इसी तरह से जब आप लीनियर इक्वेशन आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पर ये जो 0 0 ओरिजिन है ये आपका प्लस एक्स है, ये आपका माइनस एक्स है, ये आपका प्लस का वाई है और ये आपका माइनस का वाई है, ये आपका ओरिजिन है ओ यानी 0 0। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं अगर एक्स की वैल्यू 0 रखूँगा तो वाई की आएगी 10, इधर वाई की 0 रखूँगा तो एक्स की आएगी 10। इसी तरह से अब अपने को इसके अंदर भी सेम कॉलम बनाने हैं, एक्स और वाई रखना है, दो दो आपको कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर मैं एक्स की इक्वल 0 रखूँ, एक्स के इक्वल 0 रखूँ तो वाई इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट माइनस का 4। देखिए माइनस के वाई इज इक्वल टू 4 आ रहा है तो वाई इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 4 आ गया। अगर मैं वाई के इक्वल 0 रखूँ तो एक्स के इक्वल क्या आया स्टूडेंट, 4 आया। यानी कि अब आपके पास दो टेबल मिल गई, अब दो टेबल आपके पास मिल गई, एक्स की वैल्यू रखी है, एक्स की वैल्यू पहले पहली लाइन की एक्स की 0 और वाई की 10। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक्स की 0 और वाई की 10, सपोज दैट यहाँ पर 10 है, ये 0 और 10 यहाँ पर हो गया। अब x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। अब इधर भी मान लो ये यहाँ पर x की वैल्यू है वो आपकी 10 है और y की वैल्यू 0 है। ये आ गया स्टूडेंट आपकी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट हमारा एक और लाइन हमें ड्रॉ करनी है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। इधर ये सपोज दैट ये 0 है और -4 है, कोऑर्डिनेट आपको अच्छी तरह से लगाने आने चाहिए स्टूडेंट। और x की वैल्यू 4 और 0, इधर भी x की वैल्यू 4 और 0, सपोज दैट ये 4 है। अब ये आपकी ये बन गई आपकी एक और दूसरी लाइन जो कि रिप्रेजेंट कर रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को, दो लाइन यहां पर कट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर ये 4 और ये लगभग यहाँ 10 से 4 से बीच में ये जो वैल्यू आ रही थी और एक ये, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 7 और 3 को। यहाँ पर जो पॉइंट डिफाइन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, 7 और 3, और 7 और 3 का मतलब पहला x होता है दूसरा y, x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। इसी तरह से इसको भी हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है कि 5 पेंसिल, मतलब 5 तो आपकी पेंसिल है और आपके 7 पेन है, दोनों की जो कीमत है वो है आपकी 50 रुपीज। क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा दूसरे केस के अंदर आपको बोल रहा है कि 7 पेंसिल और 5 जो पेन है उनकी मिलकर के जो कीमत है वो 46 रुपीज है। क्लियर है स्टूडेंट। अब आपसे पूछा है कि ईच पेन और पेंसिल की कीमत क्या होगी, आपको निकालनी है ईच पेन, एक पेन और एक पेंसिल की कीमत आपको निकालनी है। क्लियर है स्टूडेंट। अब कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, पेन और पेंसिल की आपको माननी पड़ेगी। सपोज दैट पेंसिल है वो x है, पेन है वो y है, इसी तरह पेंसिल है वो x है, पेन है वो y है। क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पर 5 पेंसिल है तो 5x, यहाँ पर आप लिख सकते हो 5x, इसी तरह 7 पेन है तो 7y प्लस 7y इज इक्वल टू कितने रुपए की है, 50 रुपए की। इक्वेशन आ गई स्टूडेंट फर्स्ट। इसी तरह यहाँ पर दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग 7x, 7 पेंसिल है तो 5 पेन है तो 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इक्वेशन कौन सी बन गई स्टूडेंट, दूसरी, फर्स्ट और सेकंड आपने कर ली। ठीक है, अब इन दोनों जो हमारी लीनियर इक्वेशन आई है इनको अपने को सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करोगे स्टूडेंट, दो मेथड दूसरे से यूज करोगे पहले से, यानी कि या तो आपको इसको सोल्व करना है एक सिंपल मेथड जो जैसे कि मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन, या आप इसको सोल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन। हम इसके अंदर कौन सा मेथड यूज करेंगे, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू
50, इधर 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 46। क्लियर स्टूडेंट, या तो यहां पर सॉरी y आएगा। अब देखिए स्टूडेंट अपने को क्या करना है, यहां पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो हमें बेटर रहेगा क्योंकि ज्यादा लेंथी नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए यहां पर हम अगर 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 दिया हुआ है, इसके अंदर से x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए सपोज दैट 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y। क्लियर स्टूडेंट, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा नीचे। हमारे पास एक इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या कर लिया, फाइंड कर ली वैल्यू ऑफ x। ये होता है स्टूडेंट किसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमें एक साइड यह चाहिए x रख लो, बाकी साइड सारी चीजें उस साइड, ये y रखो या बाकी सारी चीजें उस साइड, मतलब उस तरीके से आपको जाना होता है। और ये x की वैल्यू जो आ गई वो उसी दूसरी इक्वेशन के अंदर आपको रखनी होती है। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको ये x की वैल्यू पुट करनी है, 7 इंटू 50 माइनस 7y डिवाइड बाय 5 प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। हमने क्या किया, सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पर पुट करी है स्टूडेंट, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, यानी कि 350 माइनस 7 को करोगे तो 49y डिवाइड बाय 5। अब प्लस में क्या होगा, 5y और इज इक्वल टू 46। क्लियर है स्टूडेंट, अब क्या है यहाँ पर, तो ये रेशियो के अंदर है, बाकियों के अंदर सभी के अंदर क्या है, डिवाइड बाय 1 है। हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब एलसीएम लेना है इनका। अगर हम 5 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के बाहर आएगा देखते हैं, हम इधर इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर ये तो एज इट इज आएगा 350, क्लियर है, माइनस 49y, अच्छा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये लेंगे तो 5 × 5 = 25y, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 25y हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 × 5 = 30, हासिल 3 × 5 = 20 और 3 = 23, ये हो जाएगा स्टूडेंट 230। क्लियर है, अब क्या करना है अपने को कि यहाँ पर अब अपने को ये सोल्व करना है, प्लस का 25 है माइनस का 49 है, माइनस हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा 24y, किसका रहेगा स्टूडेंट, माइनस का रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 230 है और ये 350 उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, अब यहाँ पर 120 बचेगा और वो भी माइनस का बचेगा, किसका बचेगा स्टूडेंट, 120 बचेगा इस साइड माइनस का, इधर माइनस का 24y, माइनस और माइनस कैंसिल, 24 से काटोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, आपके पास 5 आएगी, y इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, 5, यानी कि पेन की वैल्यू है वो आपके पास आई 5 रुपीज। क्लियर है, 5 रुपए का एक पेन आया। अब यहाँ पर मतलब कि जो आपने y निकाला है उसकी वैल्यू जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर डाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी, y इज इक्वल टू आपको 5 पुट करना है स्टूडेंट। देखिए ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 की जगह पे आपको 7 इंटू वाई था और 7 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 35 डिवाइड बाय 5 तो था ही। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर से माइनस करोगे तो ये 15 डिवाइड बाय 5, यानी कि क्या आया स्टूडेंट, 3 रुपए का आपका एक पेंसिल आया, यानी कि ये आया आपका 3 रुपए का, 5 रुपए का पेन, 3 रुपए की पेंसिल, बनते हैं बिल्कुल 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15, 35 और 15 जुड़ के 50 रुपए। इसी तरह से ही 7 पेंसिल है, यानी कि 7 × 3 = 21 रुपए
और पांच पेन है यानी कि पांच पांच 25 रुपए, और 21 और 25 कितने होते हैं स्टूडेंट, 46। क्लियर है? और इसी तरह से ये दोनों सॉल्यूशन हो गए। ये हमने किया है स्टूडेंट एल्जेब्रिकल। अब हम करेंगे क्या, हमें करना है अभी ग्राफिकल। ग्राफिकल वही बात, ग्राफ के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट अपने को वही एक्स और वैल्यू के दो दो कोऑर्डिनेट चाहिए। हम यहाँ पर चेक करते हैं, सबसे पहले 5x + 7y = 50 आपको दिया हुआ है। इसके अंदर हम एक बार बॉक्स चेक करते हैं हमारा क्या आएगा, ये एक्स है और ये वाई है। क्लियर स्टूडेंट? अगर हम वाई की वैल्यू जीरो रखें, वाई की वैल्यू जीरो रखें तो ये जीरो हो जाएगा, और पाँच यहाँ से कट के एक्स की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 10 आएगी। क्लियर है? अगर हम एक्स की वैल्यू 3 रखें, इधर देखिए एक्स की वैल्यू 3 रखें तो ये 15 हो जाएगा, 15 इस साइड कट के 35 आ जाएगा माइनस में, 7 5 35। वाई की वैल्यू क्या आएगी, 5। ये आपको चेक करना है स्टूडेंट, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, 7x + 5y = 46। इसका हमें अभी टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के लिए हमें एक्स और वाई वाई के दो दो हमें कोऑर्डिनेट चाहिएंगे, और दो दो जब कोऑर्डिनेट चाहिएंगे तो हम कौन से कोऑर्डिनेट लेना पसंद करेंगे। देखिए स्टूडेंट, हम ऐसे कोऑर्डिनेट लेंगे जिससे कि पूरा पूरा मतलब यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह ना आए। देखिए चेक करते हैं, यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे यानी कि ये हो जाएगा 7 21, और 21 इस साइड जाके घट जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, फिर 5y से 25 है वो पूरा पूरा 5 से भाग चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, अब अगर एक दूसरे केस के अंदर y के इक्वल अगर हमें रखना हुआ, y के इक्वल अगर हम -2 रखेंगे तो 5 को 2 से करोगे 10 हो जाएगा, माइनस का इधर जाके वो प्लस का 10 हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 56, और 7 से पूरा पूरा चला जाएगा तो ये क्या आएगा स्टूडेंट, 8 आ जाएगा, 8 7 56। तो ये हमारे पास दो बॉक्स आ गए। अब बारी है आपकी क्या, एक डायग्राम ड्रॉ करने की, जो हमें एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो हमें पुट करनी है उसके अंदर। इधर एक्स प्लस का होगा, इधर एक्स माइनस का होगा, इधर वाई प्लस का होगा, इधर वाई माइनस का होगा। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट जो इक्वेशन है, इधर एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 0। सपोज दैट आपका 10 इधर आता है, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू आपको पता है एक्स एक्सिस पे 0 होती है, तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया। इधर एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5, इधर एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू है लगभग 5, यानी कि यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट आपको मिल जाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए, ये आपकी जो लाइन थी वो थी 5x + 7y = 50। अब आपको सेकंड लाइन चाहिए, x = 3 y = 5। देखिए स्टूडेंट, x = 3 y = 5, यानी कि यही है सेम, दो बार रिपीट हो रही है ये। इसी तरह x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू हो -2, यानी कि थोड़ा सा नीचे इधर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 8 और -2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों लाइनों से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इधर किसके ऊपर निकलेगी, 3 और 5, यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। वही तो बात है, x की वैल्यू क्या आई, 3 आई, और y की वैल्यू क्या आई, 5 आई। अब दोनों इक्वेशन आपने ग्राफिकली भी सॉल्व कर दी और एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर दी, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें लिख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, वो दिखा रहा है कि रेशियो कंपेयर करना है a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, यानी कि a:b:c आपका क्या रहेगा। दो दो इक्वेशन दी गई है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है दो दो वेरिएबल की। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो हम चेक करते हैं, 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर x के वेरिएबल क्या है, आपको पता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2
मतलब ये चीजें अपने को, तीनों चीजें अपने को चेक करनी है कि क्या ये तीनों बराबर हैं, क्या कंडीशन रहेगी। तो स्टूडेंट, जब मैंने थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ए रेशो, बी रेशो, सी क्या होता है, उनको कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिलता है, कितने सोल्यूशन होते हैं, लाइन्स कैसी होती हैं, ग्राफ कैसा बनता है, सारी कुछ बताया हुआ है मैंने। अगर आपको उसके बावजूद भी वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन के ऊपर उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये मैंने आपको बताया था, ये जो आपकी इक्वेशन होती है ये होती है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है स्टूडेंट? ये इस फॉर्मेट के अंदर होती है और यहां पर क्या होते हैं हमारे एक्स और वाई, तो क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं, एक्स और वाई आर वेरिएबल, टू वेरिएबल होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब दो वेरिएबल है, इनकी ही आपस के अंदर मतलब हम रेशियो निकालते हैं। जैसे ए वन बटे ए टू, ए वन यहां पर पांच है, ये सात है, यानी कि पांच बटे सात इज इक्वल टू इधर माइनस चार बटे छ, माइनस के चार बटे छ बराबर है इधर आठ बटे माइनस के नौ। क्लियर स्टूडेंट? अब अपने को सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या ए वन बटा ए टू बराबर है बी वन बटा बी टू? बिल्कुल नहीं है। जब ये नहीं है तो हमें इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाना, थर्ड की तरफ जाना ही नहीं है। यानी कि ये कंडीशन क्या कहती है स्टूडेंट, ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू। तो सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, उस ग्राफ के ऊपर जाइए। मैंने आपको बताया था कि लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और ये एक ही पॉइंट पे के ऊपर होंगी, ऑन ए पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर होंगी और सॉल्यूशन कितना होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा क्योंकि वो एक ही पॉइंट के ऊपर मिलेगी, तो एक ही सॉल्यूशन होगा। यूं कह सकते हैं स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछा हो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में, तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट कि ये जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। क्लियर है? जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके अंदर भी पूछा गया है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वो चल कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में करेंगे उसको। लाइंस इंटरसेक्ट रह करेंगी एक पॉइंट के ऊपर, इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, इस पॉइंट के ऊपर क्या है वो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। अब चेक करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए इसी तरह सेम यही प्रोसेस रहेगा, 9 बटे 18 आप यहीं से डायरेक्ट चेक कर सकते हो, बराबर है 3 बटे 6 बराबर है 12 बटे 24। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए यहां पर क्या है, इसको अगर आप काटोगे तो 1 बटे 2, इसको भी आप काटोगे तो 1 बटे 2 और इसको भी आप काटोगे तो भी 1 बटे 2। कंडीशन क्या हुई स्टूडेंट, ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू बराबर है सी वन बटे सी टू। अब तीनों चीजें बराबर हैं, तीनों चीजें बराबर हैं तो ग्राफ क्या बताएगा स्टूडेंट, को इंसिडेंस लाइन, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, या यूं कह सकते हो दोनों ही लाइन सेम ही प्लेन के अंदर और सेम ही सिचुएशन सेम कोऑर्डिनेट्स के ऊपर रहेगी, इनको हम बोलते हैं को इंसिडेंट, को इंसिडेंट। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पर पॉइंट कितने हो गए, क्या एक पॉइंट पे मैच करती है, एक पॉइंट पे नहीं, वो एवरी पॉइंट पे मैच करती है और पॉइंट्स भी मैनी हो जाएंगे या हम उसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट। अब ये सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। अब सॉल्यूशन है बिल्कुल है तो भी ये क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है स्टूडेंट, ये भी क्या है आपकी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होती है, चाहे सॉल्यूशन एक हो चाहे सॉल्यूशन लाख हो, कंसिस्टेंट रहेगी। इनकंसिस्टेंट कब होती है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहां पर 6 बटे
दो बराबर माइनस तीन बटे माइनस एक है बराबर 10/9 है। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, चेक करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3/ इधर काटेंगे तो एक बराबर, ये भी माइनस वाला प्लस हो जाएगा 3/, और ये हो जाएगा आपका 1, और बराबर इधर 10/9। सिर्फ ये बराबर नहीं है, मतलब कि क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, दोनों बराबर है, गौर किया होगा। इसी तरह लेकिन c1 है वो c2 के बराबर नहीं है। इस केस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, ग्राफ है वो आपका बनेगा पैरेलल, यानी कि ग्राफ के अंदर लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। मैं बता चुका हूं आपका, पैरेलल लाइन रहेंगी। अब पैरेलल लाइन रहेंगी, आपने रेल की पटरी देखी होगी, उस जैसी लाइंस रहेगी हमेशा, कभी मिलेगी नहीं कोई भी पॉइंट के ऊपर जिंदगी में, नहीं मिलेगी। जब ये नहीं मिलेगी तो उसके लिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर ये कट करेगी, मिलेगी और इंटरसेक्ट करेगी या कोइंसिडेंस रहेगी तब तो सॉल्यूशन होगा, जब मिलेगी नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये क्या बोल देंगे उसको, नो सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल। और लाइन जब पैरेलल है, नो सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट रहेगी या इनकंसिस्टेंट, वो रहेगी स्टूडेंट आपकी इन कंसिस्टेंट। क्लियर है स्टूडेंट, हमने तीनों चारों कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन के अंदर किए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर। सिर्फ आपसे पूछा गया कि कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। सारे के सारे कंसेप्ट आपको उस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सोल्व करने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। और अगर स्टूडेंट, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कर दीजिए लोगों के साथ। और अगर आपको बार बार यही चैनल पे यही वीडियो या और भी कोई वीडियो 10th की जो मैं बनाता हूँ वो देखने का अगर आपको मन होता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकॉन बटन के साथ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यानी कि थर्ड क्वेश्चन, उसके अंदर भी सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन पूछा क्या गया है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा गया है। पीछे वाले में पूछा था सॉल्यूशन कितने होंगे, कैसे होंगे और ग्राफ कैसा होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तरीका वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, सिर्फ आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला है a1 a2, मैं बार बार नहीं बताऊंगा a1 a2 के बारे में, सबसे पहले ध्यान देना है आपको। देखिए यहाँ पर 3/2 बराबर इधर 2/-3 बराबर 5/7, चेक कीजिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या 3/2 और 2/3 मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। क्लियर है स्टूडेंट, जब ये दोनों नहीं है तो मतलब क्या होगा, ये इसका क्या सोल्यूशन होगा, इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। अब आपको पता है सॉल्यूशन हो या ना हो, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, या तो सॉल्यूशन हो या ना हो। अगर सॉल्यूशन है तो ये है कंसिस्टेंट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड, चलिए 2/4 और बराबर है -3/-6 बराबर है 8/9। क्लियर है स्टूडेंट, अब देखिए यहां पर क्या होगा, इसको काटोगे आप 1/2, इसको काटोगे तो भी 1/2, इसको काटोगे तो भी 8/9। अब चेक कीजिए स्टूडेंट, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस केस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, यानी कि ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा, लाइंस क्या रहेंगी स्टूडेंट, पैरेलल रहेंगी। क्या रहेंगी, लाइंस आर पैरेलल, और जब पैरेलल रहेंगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अब जब नो सॉल्यूशन है, जब नो सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, वो होगा स्टूडेंट इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, तो स्टूडेंट हमारा जो थर्ड पार्ट है उसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना पड़ेगा अच्छी तरह से, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। देखिए कैसे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3/2x+5/3y=7/1। यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, आपको एलसीएम लेना है जो कि आ गया 6। अब यहाँ पर 2 को भाग करोगे 6 से, 3 3 को 3 से करोगे, ये हो जाएगा आपका 9x, प्लस इधर भी
तीन को दो से करोगे, 3 गुना 6, और इधर 5 को करोगे तो 5 गुणे 10, 10y इज इक्वल टू 7 6 के क्या हो गया स्टूडेंट, 42। क्लियर है? अगर जब पूरा पूरा भाग हो जाता है तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो दूसरी थी आपके पास 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। क्लियर है स्टूडेंट? a1 बटे a2 करके देखो, 9 बटे 9 बराबर है माइनस 10 बटे 10। क्या बराबर है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि माइनस और प्लस आ गया है। यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। जब ये दोनों ही नहीं है तो तीसरे पर जाने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि पहले वाला ही केस आ गया तो ये सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक होगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो क्या होगा स्टूडेंट? कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट? 5/10 बराबर है, यहाँ पर देखिए माइनस का 10 है, गौर करने वाली बात है। इधर माइनस का 3/6, इधर 11/-22। क्लियर है स्टूडेंट? पहले इसको काट दो, यहाँ से काटोगे तो -1/2 आया, इधर भी काटोगे तो भी -1/2 आया, इधर काटोगे तो भी -1/2 आया। क्या हुए स्टूडेंट? तीनों के तीनों बराबर हुए। यानी कि हम ये कह सकते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। जब ये तीनों कंडीशन बराबर हैं स्टूडेंट, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी? कोइंसिडेंट बनेगी। मतलब लाइंस है वो एक दूसरे के क्या रहेंगी? ऊपर रहेंगी। और सॉल्यूशन क्या बनेंगे आपके? मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब जब मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा तो मैं आपको बता चुका हूँ, कंसिस्टेंट रहेगा या इनकंसिस्टेंट रहेगा? बिल्कुल कंसिस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब है कि कोई सॉल्यूशन निकल रहा है या नहीं। अगर सॉल्यूशन आपका निकल रहा है, चाहे 1 निकलो चाहे 1,00,000 निकलो, कंसिस्टेंट रहेगा। इसी तरह ये जो नेक्स्ट है ये आपका डू यूर सेल्फ है स्टूडेंट, आप खुद करके दिखाओगे और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका मुझे बताओगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। हमें बोला गया है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इनमें से चूज करने हैं, 4 पार्ट आपको दिए गए हैं। अगर कंसिस्टेंट है तो उनका सोल्यूशन निकालना है आपको ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली सोल्यूशन जो निकालना है वो देखिए किन किन का निकालना पड़ सकता है। सबसे पहले अपना चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट कौन से हैं और इनकंसिस्टेंट कौन से हैं। पहले सबसे पहले तो ये चेक करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 1/2, 1/2 और 5/10। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 1/2 है बराबर 1/2 है बराबर 5/10 है, तो वो क्या हो गया? 1/2 है। आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना है, मैं तो जल्दबाजी के अंदर करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने पहले ही करवा लिए, तो बार बार उन क्वेश्चनों को रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, ना आप लोगों का ना मेरा। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली a1/a2 और b1/b2 बराबर है c1/c2, यानी कि तीनों के तीनों कंडीशन बराबर हैं, तो कौन सा सोल्यूशन होगा स्टूडेंट? आपका सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट, मैनी सोल्यूशन होंगे और लाइन्स क्या रहेंगी? कोइंसिडेंट रहेंगी। क्या रहेगी? कोइंसिडेंट रहेंगी, यानी कि ये आपका क्या रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट? पहले तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ सकता है। अब चेक कीजिए स्टूडेंट इसका क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए 1/3, 1/3 और 8/16। देखिए स्टूडेंट इधर 1/3 है, अच्छा इधर भी माइनस का 1/-3 है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 8/16 है तो 1/2 हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। आपको पता है a1 a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इस केस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और जब लाइन पैरेलल होंगी तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ जो कंसिस्टेंट है उन्हीं को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट 2/4 बराबर है 1/-2, या यूं कह सकते हो -1/2 बराबर है 6/4, यानी कि 3/2। ये दोनों बराबर नहीं है, अच्छा ये अगर 1/2 हो जाएगा, ये -1/2 है तो ये भी बराबर नहीं है,
मतलब क्या हुआ कि ए वन बटे ए टू है बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू, यानी कि इनका पहला ही कंसेप्ट बराबर नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो क्या रहेगा आपका? कंसिस्टेंट। तो इसका भी आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इन दोनों का सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा ग्राफिकली। अब लास्ट चलते हैं स्टूडेंट, यहां पर देखिए 2/4 यानी कि 1/2 बराबर है माइनस 2/-4 यानी फिर भी 1/2। अच्छा 2/5 है वो बराबर नहीं है, क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है, ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू के, लेकिन सी वन बटे सी टू बराबर नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पर रिपीट हो रही है, ये भी कंडीशन यहाँ पर रिपीट हो रही है। होगा क्या स्टूडेंट, लाइन हमेशा क्या रहेंगी आपकी? पैरेलल रहेंगी, और जब पैरेलल रहेंगी तो आपके सॉल्यूशन नहीं होगा कोई भी, इनकंसिस्टेंट आपका सॉल्यूशन कहलाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। अब आई थिंक कि दो बच्चे हैं, एक का यूनिक सॉल्यूशन है एक का मैनी सॉल्यूशन है। अब इन दोनों को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, एक ये जो सॉल्यूशन रह जाता है आपका और ये सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन आपके रह जाते हैं, इनको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। और मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है आफ्टर ग्राफ के अंदर, जैसे आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसके अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ तक आता है, वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करोगे। जिस भी बच्चे का कमेंट सही होगा उसको मैं आगे नेक्स्ट किसी भी चैप्टर की जब भी वीडियो बनाऊंगा तो उसको मैं यहाँ पर चैनल के ऊपर नॉमिनी रखूंगा और उसका नाम लूंगा कि इस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पेरीमीटर कितना है? 36 मीटर है। चेक कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक पेरीमीटर मैं बना देता हूँ, एक गार्डन बना दिया मैंने, रेक्टेंगुलर गार्डन है ये, इसकी क्या है लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। अब देखिए स्टूडेंट, लेंथ और ब्रेथ दोनों मैंने यहाँ पर कर दी है। अब इसमें आपसे सबसे पहले पूछा गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अब पेरीमीटर हाफ का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा, यानी कि पेरीमीटर का मतलब होता है रेक्टेंगुलर का 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है इसका पेरीमीटर। और इसका हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि एल प्लस बी। क्या हुआ स्टूडेंट? हाफ पेरीमीटर क्या हुआ आपकी? लेंथ प्लस ब्रेथ। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, लेंथ को हम मान लेते हैं एक्स और ब्रेथ को हम मान लेते हैं वाई, क्लियर है? यानी कि लेंथ है वो एक्स है और ब्रेथ है वो वाई, क्लियर है? यहां पर होगा हाफ पेरीमीटर का मतलब लेंथ और ब्रेथ का जोड़, हाफ ऑफ द पेरीमीटर का मतलब लेंथ और ब्रेथ का जोड़। कितना दिया हुआ स्टूडेंट? 36 मीटर। इक्वेशन बन गया आपकी फर्स्ट। अब दूसरा क्या हुआ है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है स्टूडेंट? 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। अगर मैं क्या करूं, ब्रेथ के अंदर 4 मीटर यानी कि 4 जोड़ दूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? लेंथ के इक्वल आ जाएगा, क्लियर है ना? क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा के बराबर क्या होगी? लेंथ होगी। इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे बनेगी, लेकिन इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई में इधर ही कर देता हूं, एक्स और ये वाई है इस साइड आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्लियर है स्टूडेंट? यहां से ये कैंसिल, ये जो है वो यहां लिख सकते हो, जैसे कि यहां पर एक्स बराबर वाई प्लस 4, ये आपकी इक्वेशन सेकंड का ऑप्शनल बना था, यहाँ पे फाइनल बन गई। अब इन दोनों को आप चाहे तो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, चाहे आप एल्जेब्रिकली। मैं आपको एल्जेब्रिकली समझा देता हूँ और ग्राफिकली आपको खुद को करना है, डू योर सेल्फ के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे क्वेश्चन आप डू योर सेल्फ के लिए दे रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर थर्ड जो चैप्टर है आपका कंप्लीट, उसकी 5-6 एक्सरसाइज है,
और उनके अंदर काफ़ी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चनों में से काफ़ी जो अमाउंट ऑफ जो नंबर्स हैं वो आपके एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं, इसलिए आपकी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, इसलिए मैं डू योर सेल्फ के लिए आपको दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, कौन से मेथड से करोगे आप? सिंपल है, प्लस का वाई माइनस का वाई एलिमिनेशन मेथड, आप कर दो एलिमिनेट। करोगे इधर आया स्टूडेंट 2x इज इक्वल टू, ये आया स्टूडेंट 40, x इज इक्वल टू क्या आया स्टूडेंट 20 आया, यानी कि जो आपकी लेंथ है वो आई 20 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट? अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, क्या ना हम यहां पर x की वैल्यू पुट कर दें, क्या थी x की वैल्यू 20, क्लियर है, पुट कर दी। मुझे तो y की चाहिए, बाकी साइड लेकर के चला जाऊं, y इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 36 में से आपने 20 माइनस किया, आपके पास y की वैल्यू कितनी आई 16 आई, क्या आई, ब्रेथ आपकी 16 आई। चेक कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर 20 है इधर 16 है, दोनों का जोड़ कितना है 36 है कि नहीं है, हाफ पेरीमीटर इसका 36 है, बिल्कुल है। अगर ये, अब देखिए एक बात, ब्रेथ से 4 ज़्यादा है ना लेंथ, मतलब 16 और 20 में कितना डिफरेंस है, 4 है, मतलब ये क्वेश्चन हमारा एलजेब्रिकली तो हो गया, अब आपको क्या करना है, आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली आप कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बना के दे रखी है। एक बार x के बराबर 0 रखोगे तो 36 y इज इक्वल टू आ जाएगा, और y के बराबर 0 रखोगे तो x 36 आ जाएगा। इसी तरह दूसरे के अंदर y के बराबर 0 रखोगे तो x 4 आ जाएगा, x के बराबर 0 रखोगे तो y माइनस 4 आ जाएगा। दोनों की लाइन बनाओ, ड्रा करो, बीच के अंदर जो पॉइंट आएगा वो 20 और 16 को रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि ये एक इक्वेशन दे रखी है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, आपको एक और इक्वेशन बनानी है। हमने काफ़ी सारे एग्जांपल तो कर लिए, 3.1 कर ली, 3.2 कर ली, उनके अंदर बताने हैं कि ये एक तो इक्वेशन यानी कि नंबर वन इक्वेशन तो ये है ही, दूसरी इक्वेशन और बताओ जो लाइंस को इंटरसेक्ट करती हो, एक और इक्वेशन बताओ जो पैरेलल करती हो, और एक और इक्वेशन बताओ जो कोइंसिडेंट रहती हो। देखिए स्टूडेंट बहुत ही ईजी है, देखिए कैसे होगा, यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, मैं इस साइड 8 लेकर के गया। क्लियर है स्टूडेंट? अब सबसे पहले तो आपको इंटरसेक्टिंग के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, कोई भी आपका मेल नहीं खाना चाहिए। जैसे कि सपोज दैट मैंने यहाँ पर ले लिया, ये 2x की जगह मैंने इधर 3x ले लिया, 3 की जगह मैंने 4y ले लिया इज इक्वल टू 9। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर आपको क्या पता चला, क्या a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के? a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब नहीं है तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। इसी तरह नेक्स्ट आप ले सकते हो, आपके पास क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है, आपको क्या करना है, पैरेलल करना है। पैरेलल के लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए स्टूडेंट, आपके पास a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 होना चाहिए, लेकिन c1 बटे c2 नहीं होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट इसका 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, वो आपकी मर्जी है। 2 गुना कर देते हैं 4x, 2 गुना कर देते हैं 6y, लेकिन इसका 2 गुना नहीं करना। यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ एक कम या एक ज़्यादा या कुछ भी नंबर लिख देना है, ताकि क्या हुआ 2/4 हो जाए, 3/6, यानी कि ये दोनों तो बराबर हो जाए लेकिन थर्ड बराबर नहीं होगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये पैरेलल होगी। क्लियर है? अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, कोइंसिडेंट मतलब उसी के लाइन के ऊपर लेकर आनी है। तो इसी तरह आपको इक्वेशन दी हुई थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी स्टूडेंट, a1 a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2, यानी कि तीनों की तीनों क्या होंगी, आपके इक्वल रेशियो के अंदर होगी। यानी कि चाहे 2 गुना करो चाहे 4 गुना करो, 2 गुना कर देते हैं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। अब ये जो इक्वेशन आपने बनाई है, इस ये इक्वेशन इसके साथ क्या देगी, कोइंसिडेंस, क्या रहेगी, कोइंसिडेंट। क्लियर है स्टूडेंट? ये तीन आपकी इक्वेशन निकल के बाहर आ गई, जो अलग अलग इनके साथ इक्वेशन बनाएगी, अलग अलग ग्राफ के अंदर आपको दिखाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
लास्ट क्वेश्चन सेवेंथ के अंदर बोला गया है स्टूडेंट कि एक ग्राफ ड्रॉ करना है इन दो इक्वेशनों को यूज करके। जैसे ही आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक ट्रायंगल की आपको शेप दिखेगी एक्स एक्सिस के ऊपर, और उसको क्या करना है आपको सेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एडवांस है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इक्वेशन को लिखते हैं एक्स माइनस वाई। इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का वन है, इस साइड लेकर के जाओगे तो माइनस का वन हो जाएगा। अब इसी तरह ये दूसरा है, सबसे पहले इसकी हम क्या करते हैं, ग्राफ के लिए आपको कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे एक्स और वाई के। यहाँ पे एक्स लिखो, आप यहाँ पर वाई लिखो। देखिए स्टूडेंट, अगर एक्स के इक्वल जीरो रख देते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, वन आएगी। आप चेक करके देख सकते हो, यानी कि एक्स के बराबर अगर मैं जीरो रखूंगा, जीरो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का वन, माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, वाई इक्वल टू क्या आया, वन आया। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट, अगर y के बराबर जीरो रखूंगा, ये y जीरो हो जाएगा तो x के बराबर क्या आएगा, माइनस का फाइव। क्लियर है? अब दूसरी यहां पर देखिए स्टूडेंट, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आया स्टूडेंट, 12 आ गया। क्लियर है यहां तक आपको समझ आया? क्योंकि ये 12 इस साइड माइनस था और x इक्वल टू के उस साइड चला गया, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया। इसी तरह आपको एक ये बनानी है टेबल जिसके अंदर आप x और y के दो दो कोऑर्डिनेट्स डाल सको। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस x को जीरो कर दूं, ये जीरो हो जाएगा, 2y के बराबर 12 आ गया, तो y के बराबर क्या आया, 6 आया। क्लियर है स्टूडेंट? अगर मैं इस y को जीरो कर दूं, y को क्या कर दूं, जीरो कर दूं, 3x के बराबर 12 आ गया, तो x के बराबर क्या आया, 4 आ गया। आपके पास दोनों लाइंस के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, इधर y पॉजिटिव इधर y नेगेटिव, इधर प्लस का x और इधर माइनस का x। चेक कीजिए स्टूडेंट, सबसे पहला जीरो और वन, x जीरो y वन, x जीरो y वन, यानी कि जीरो और पहला तो आपका ये कोऑर्डिनेट आ गया। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि इतना कुछ यहाँ पर सपोज दैट जीरो और वन। क्लियर है स्टूडेंट? अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्स की वैल्यू माइनस वन और वाई की वैल्यू जीरो। एक्स की वैल्यू माइनस वन, सपोज दैट यहाँ पर ये माइनस वन है और वाई की आपको पता ही है एक्स एक्सिस पे जीरो होती है। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको ये आप इधर ले जाओगे, ये लाइन बन गई, और ये लाइन कौन सी बनी है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का वन की बनी है। इसी तरह नेक्स्ट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सपोज दैट ये है 0 और 6। क्लियर है स्टूडेंट? इसी तरह x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू सपोज दैट 4 इधर और y की वैल्यू 0 है ही। अब क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों को आपको, ये सपोज दैट यहाँ था और इसको क्या करना है आपको, मिलाना है। क्लियर है? मिला दिया। मिलाने के बाद ये आपकी इक्वेशन कौन सी थी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर आपसे बोला गया था कि क्या है बनाएगा, एक ट्राइंगल बनाएगा, कौन से के ऊपर, ये देखिए स्टूडेंट, x एक्सिस के ऊपर क्या बना दिया, एक ट्राइंगल बना दी कि नहीं बना दी, ये बना दी इसने ट्राइंगल। अब इसको क्या करना है आपको, सेट करना है। आप पेंसिल से यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकते हो, तो ये कंप्लीट यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ हो गया आपका, इस शेड हो गया। ये था स्टूडेंट आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 3.2 का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे 3.3। उससे पहले आपको देना होगा फीडबैक कि आपको 3.2 है वो कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आपका मन हो रहा है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का ताकि वो भी थोड़ी सी नॉलेज हासिल कर ले, तो भी आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हो। और अगर आपको वाकई में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की हर अपडेट आपको चाहिए तो बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, उसकी नोटिफिकेशन है वो ऑन हो जाएगी। जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलते रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।